आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। गोरखपुर में यूपी बैंक एम्प्लाइज यूनियन के आह्वान पर बैंकों के निजीकरण करने के कानून के विरोध में दूसरा दिन बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ये जुलूस बैंक रोड विजय की चौराहा से होते हुए फिर से बैंक रोड पर पहुंचा, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का कर्मचारियों ने विरोध किया। कर्मचारियों का कहना है कि बैंकों के निजीकरण होने से पूंजीपतियों को फायदा होगा, उपभोक्ता को धन को पूंजीपति इसका सीधा फायदा उठाएंगे, आम नागरिकों की धन का दुरुपयोग होगा और बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से लगभग 500 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि बैंकों का निजीकरण का जो बिल अभी प्रस्तावित हुआ है पार्लियामेंट में, वो वापस लिया जाए। सबसे पहली मांग ये है, विलयीकरण जो किया जा रहा है वो अलग किया जाए, निजीकरण जो प्रस्तावित है, जो आईपीओ एलआईसी की आने वाली है, वह जो प्रस्तावित है वह सभी वापस लिए जाए। यही हमारी सबसे पहली मांग है इस समय हमारी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से वाकई लैंगिक समानता के लिए अहम कदम है। 21 वर्ष की उम्र में शादी करने से उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। इसके साथ ही मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। ये बातें उत्तर प्रदेश सरकार में बाल विकास एवं महिला कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह ने कही और उन्होंने कहा कि राज्य प्रधानमंत्री हर कदम पर आधी आबादी की प्रगति की बात सोचते रहते हैं। श्रीमती सिंह ने कहा कि 2018 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दोनों की शादी की न्यूनतम उम्र एक समान करने की सिफारिश की थी। इसके लिए कई महिला संगठन भी सिफारिश कर चुके हैं। लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र कम होने से उनके उच्च शिक्षा में बाधक बनता है। चलिए आपको भी सुनाते हैं स्वाति सिंह का ये बयान। आज एक बार फिर सपा का चेहरा हम सबके सामने आ गया है, खासकर हम बेटियों के सामने आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की बेटियों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। सरकार ने ये सोचा कि हम ये निर्णय लें कि बेटियों के शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए, तो सपा के एमपी का ये कहना है कि अगर शादी की उम्र को बढ़ाया जाएगा तो लड़कियों में बेटियों में आवारगी बढ़ेगी। ये सपा की मानसिकता है बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और ये पहली बार नहीं है जब सपा ने इस तरह की मानसिकता दिखाई है जनता के सामने। मुलायम सिंह यादव ने 2014 में कहा था कि जब रेप हो जाता है तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। चाहे अखिलेश यादव क्यों ना हो, बदायूं जब रेप कांड हुआ था तो उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया भर में रेप होता रहता है। ये मानसिकता है इनकी, आज पूरा देश देख रहा है कि सपा के लोग हमारे आधी आबादी के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए क्या सोच रखते हैं। मैं एक बेटी होने के नाते और एक बेटी की माँ होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो शादी की उम्र बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बहुत बड़ा कदम होगा। आज सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध को लेकर यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियन ने हड़ताल करने का ऐलान किया था। इसी को लेकर बैंक आज और कल बैंक बंद रहेंगे। देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे और देश भर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रही, जिससे चेक का क्लियरेंस को लेकर बैंक शाखा से जुड़ी तमाम दिक्कतों का सामना ग्राहकों को करना पड़ा। आज का जो हड़ताल का दूसरा दिन है, आपकी प्रमुख मांगे क्या है सरकार से? ये हमारी हड़ताल, कई डिमांसेशंस के बाद दो दिन की हड़ताल की कॉल दी गई थी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से, जिसको कि आज हमने इम्प्लीमेंट करके अगले प्रोग्राम की इंतजार करेंगे। क्या वो प्रोग्राम आता है वैसा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी अपनी कोई डिमांड नहीं है कि बैंक एम्प्लाइज की तनख्वाहें बढ़ें, ये हो, फाइनेंशियल कोई बेनिफिट हो। हमारा ये है कि देश के अंदर ये बैंक जो कि राष्ट्रीयकृत किए गए थे 1969-19 जुलाई को, उसको दोबारा ये सरकार प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। क्योंकि जब से बैंक नेशनलाइज हुए थे तब से गरीब तबका और किसान बैंकों के अंदर आकर के पूरा फ़ायदा उठाते थे, अकाउंट खोलते थे, उनके एक एक पैसे के
उनको फाइनेंस किया गया, आज हरी क्रांति उसी वजह से आई। आज इंडस्ट्रियलिस्ट एक किनारे हो गए और आपकी इंडस्ट्री जो है बैंकों के फंड से आगे बढ़ी है। और हम नहीं चाहते कि ये किसी प्राइवेट हाथ में, किसी धन्ना सेठ के हाथ में दे करके वो अपने यहाँ इस्तेमाल करें, इसका हम विरोध करते हैं। इसीलिए बैंक कर्मचारी अपनी दो दिन की तनख्वाह कटाने के लिए देश के हित में इसका उन्होंने आंदोलन किया है। पूरे देश में कितने कर्मचारी आज हड़ताल कर रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान पे 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पे हैं, अधिकारी कर्मचारी सब मिला करके 10 लाख। अच्छा ये बताइए, निजीकरण से क्या नुकसान होगा ग्राहकों को, इसके बारे में बताएं। निजीकरण से कि जनता का पैसा जो जनता के इस्तेमाल में आना चाहिए निजी हाथों में जाएगा, तो वो अपने ही व्यापार में लगाएंगे, ना कि जनता के लिए, ना कि किसानों के लिए, ना कि मजदूरों के लिए। आज आप देखिए कि जब से बैंक राष्ट्रीयकृत हुए हैं, शहर के अंदर लोगों ने मकान बनवाने शुरू कर दिया बैंकों की मदद से, किसानों ने बैंकों की मदद से अपने किसानों को हरी क्रांति ला के दिखला दी। आज यहाँ हमारे पास सारी चीज़ें गेहूँ वगैरह सब जनता को देने के लिए है, एक्स्ट्रा भी है जो कि हम दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। अगर ये ना हुआ तो नुकसान हो सकता है। जो बैंकों को निजीकरण कर दिया जाता है, उन्हें निजी हाथों में दे दिया जाता है, तो क्या दिक्कतें आएंगी, क्या सरकारी नौकरियां जो आप लोगों की वो खत्म हो जाएंगी? जब बैंक अगर निजीकृत कर दिए गए, तो जो 1969 जुलाई में पहले होता था कि जनता का पैसा सिर्फ वही जो बैंक चलाते थे उन्हीं के व्यापार अपने व्यापार में लगा करके करते थे, वो जनता को नहीं देते थे, वो लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा नहीं दिया करते थे। किसान कभी भी 1969 से पहले बैंकों में आने से घबराता था, कभी नहीं आता था, बड़े बड़े धन्ना सेठ ही सिर्फ आया करते थे। आज की तारीख में गांव-गांव में ब्रांचेस खुली हैं, इतनी ब्रांचेस कभी भी राष्ट्रीयकरण से पहले नहीं खुली थी। आज हजारों लाखों ब्रांचेस हैं, हर 5-10 हज़ार के ऊपर ब्रांचेस हैं, लोगों की सेवाएं उनके दरवाजे पर जाके देते हैं। ये कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं करेगा, सिर्फ ये राष्ट्रीयकृत बैंक ही कर सकते हैं। हम कमिटेड उसके लिए है, और हमने अब पहले भी कहा है कि हम बैंक कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के बैंकों को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं, उनके धन को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। और सरकारी नौकरियों में बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, वैकेंसियां कम होंगी, क्योंकि जब प्राइवेट हो जाएंगे तो ब्रांचेस उतने गांव में रूरल में नहीं खोलेंगे वो, उसके लिए नौकरियों की वैकेंसी कम होंगी, आगे और बेरोजगारी और भी बढ़ेगी। तो इससे क्या आप लोग की नौकरी में भी खतरा नहीं? प्रेजेंटली इसमें कोई खतरा या कोई प्रभाव भी कोई नहीं है, बिल्कुल बंद होगी, नई नियुक्तियां आना बंद हो जाएंगी, नई नियुक्तियां आगे भविष्य में बंद हो जाएंगी, इनकन्वीनियंस बहुत होगा पब्लिक को, फिर से जो है साहूकार के पास जाके अपनी सेवा लेनी होगी, जिसका शोषण होगा पब्लिक का, और ये पब्लिक अपनी बैंक है सरकारी बैंक, और सरकार इसको निजी हाथों में बेच रही है। किसी भी आम आदमी का खाता जो ग्राउंड लेवल पे है उसका प्राइवेट बैंकों में नहीं होता, उसका सरकारी बैंकों में ही होता है। वो सरकारी बैंक को अपनी संपत्ति समझता है, अपना अधिकार समझता है, उसी अधिकार से वो हमसे सेवा लेता है और हम सेवा देते हैं जो कि प्राइवेट बैंकें नहीं करती हैं, और सरकार की समस्त योजनाओं को हमें आम आदमी तक पहुंचाते हैं, उसमें प्राइवेट बैंक नहीं शामिल रहती है। यही है पब्लिक के बैंक है, उसी को बचाने के लिए सब्सिडी से लेकर धान विक्रय से लेकर जनधन योजना से लेकर विधवा पेंशन, और कोविड के दौरान जो महिलाओं को 500-500 रुपए स्कॉलरशिप, बच्चों के सरकारी स्कूलों की स्कॉलरशिप, सब सरकारी बैंक ही करती है, हम ही करते हैं। वर्कलोड बढ़ा है, नियुक्तियाँ नई नहीं आई हैं सरकार की तरफ से, इसमें कोई उन्हें इनकी हम योजनाएं भी पूरी करते हैं, उसके बावजूद ये इसको प्राइवेट हाथों में बेचना चाहते हैं, जिससे आगे के लिए बहुत दिक्कत होगी, लोगों को बहुत दिक्कत होगी। परिवहन निगम के आधी से ज्यादा बसें वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं, इसी कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि आगरा मुरादाबाद बदायूं एटा कासगंज रूट पर घंटों बाद अगर कोई बस भी आ गए तो उसमें चढ़ने के लिए लोग धक्का मुक्की करते हैं। अलीगढ़ में भी डिपो के पास कुल 115 बसों के संचालन का जिम्मा है, पिछले 3 दिनों में 52 बसें ही निकल पाई हैं, जिसमें आधी बसों के चलने का मूल कारण खराब पड़ी व बस स्टॉप की कमी है। ऐसे में रूट पर एकदम से बसों की संख्या कम हो गई है। मंडल की तकरीबन 180 बसें हैं जो 10 लाख किलोमीटर तक चल चुकी हैं। ये बसें नीलामी के लिए ही बची हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में एक भी बस अलीगढ़ को नहीं मिली।
चलते चलते कई बसें खराब हो जाती हैं। वहीं बसों में क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम ने बताया कि बसों के संचालन में कुछ दिक्कत है। आगरा और अन्य रूट पर 20 बसें बढ़ाई गई हैं। हाथरस एटा की बस लखनऊ चली गई, जो इसके लिए अन्य बसों के चक्कर बढ़वाए जाएंगे। बाकी जो हमारे पास बसें हैं 588 बसें हैं, इसमें 8-9% थोड़ा दिक्कत पड़ रही है, वो भी अब धीरे धीरे दूर हो गई है। लगभग 2 करोड़ का हमने लाभ अर्जित किया है दिवाली के सीजन में। अभी भी देखेंगे, अचानक क्या है कि साल के टाइम में भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए लगता है कि भीड़ काफ़ी हो रही है और हम प्रयास ही कर रहे हैं कि हमने बस के फेरे बढ़ा। फतेहपुर जनपद के हदगाम कस्बे में लखीमपुर खीरीकांड को लेकर अजय मिश्रा राज्य मंत्री ने मीडिया कर्मी से अभद्रता करने का काम किया था। उसके विरोध में शिवसेना उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के जिला प्रमुख की अध्यक्षता में अजय मिश्रेणी का पुतला फूकने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही फतेहपुर जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान की अध्यक्षता में हदगाम कस्बे में अजय मिश्रेणी का पुतला फूका गया। सभी शिव सैनिकों ने पत्रकार का समर्थन किया है। पवन कुमार शिमाली, शिवसेना नगर प्रमुख प्रमोद कुमार, अनिल कुमार, कुंदन कुमार व हदगाम कस्बे में गए कुछ पत्रकार मौके पर मौजूद रहे। प्रमुख होने के नाते हम उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मान में अजय मिश्रा का अपराध डिक्लेयर हो चुका है, घोषित हो चुका है कि उन्होंने अपराध किया है, जानबूझ के उन्होंने कांड कराया है, किसानों का मर्डर किया उन्होंने, जानबूझ के गाड़ी चढ़ाई है, तो उनको जो है योगी सरकार से। फरुखाबाद में महिला ने युवक की सरे बाजार चप्पलों से बारिश की। महिला ने भरे बाजार में युवक को चप्पलों से पीटा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चप्पलों से पीटने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल महिला का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसी बात को लेकर प्रेमिका ने प्रेमी को सरे बाजार चप्पलों से मारा। ये मामला फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास का है। खबर फरुखाबाद से है, जहां महिला ने सरे बाजार एक युवक को अपनी चप्पलों से पीटा। बताया जा रहा है कि महिला का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसी बात को लेकर प्रेमिका ने प्रेमी को सरे बाजार चप्पलों से मारा और ये मामला फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप का है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चप्पलों से पीटते हुए वीडियो हुआ है वायरल। एक युवती ने युवक को सरेआम चप्पलों से पीटा है। बताया जा रहा है कि महिला का उस युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते अचानक से कोई बात के चलते वहां पे महिला ने सरे बाजार युवक को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल महिला का युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसी बात को लेकर प्रेमिका ने प्रेमी को सरे बाजार चप्पलों से मारा और ये मामला फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास का है। देवरिया में राष्ट्रीय सैंतवार मल्ल स्वाभिमानी मोर्चा के बैनर तले सोनूघाट ने चीनी मिल ग्राउंड तक सैंतवार समाज के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि वर्तमान में पिछड़े वर्ग में मिल रहा है, इसी को लेकर आरक्षण कुंभ सैंतवार व कुर्मी मल्ल में संशोधन करके राजस्व अभिलेखों में दर्ज सैंतवार व मल्ल के नाम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की वर्तमान सरकार से मांग कर रहे हैं। और जिलाधिकारी देवरिया, सपा जिलाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष, प्रसपा जिलाध्यक्ष व अन्य विभिन्न दलों के माध्यम से अपनी मांग मूल नाम से आरक्षण प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की है। पूर्वांचल के 7 जिलों में सैफार और मल जाति निवास करती है, जो अभी तक इसको कुर्मी सैफार और कुर्मी मल के नाम से पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। पिछले 7 वर्षों से यह संगठन सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई, प्रत्येक जनप्रतिनिधियों को यह मांग अपनी मांग पत्र सौंप चुका है कि सैफार मल समाज को उसके मूल नाम से मल और सैंतवार के नाम से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, अन्यथा यह समाज दूसरे राजनीतिक विकल्पों पर विचार करेगा। हमारी बातें दूसरे राजनीतिक दलों से भी हमारा गठबंधन पर चल रहा है विचार, अगर हमारी सरकार भाजपा सरकार नहीं मानती है तो हम लोग यह समाज।
बदायूं के थाना गुबर गांव क्षेत्र अंतर्गत में व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले की सफल कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है और पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए तमंचा और कारतूस को भी बरामद कर लिया गया। थाना कुंवर गांव के अंतर्गत कैली गांव में कल श्योम नाम के एक युवक की, जिसकी लगभग 18 वर्ष उम्र है, हत्या हुई थी, जिसमें विशपाल उर्फ विशु नामित अभियुक्त था। तो हमारी सर्विलांस टीम और सीओ सिटी के नेतृत्व में, कुंवर गांव की टीम ने सीओ सिटी के नेतृत्व में उसको सर्च करते हुए कल रात में ही उसकी अरेस्ट कर ली गई और बहुत ही कम समय में इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अपनी पत्नी के साथ इलिसिट रिलेशंस को लेकर के इस हत्या का कारण बताया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करके और आगे की खबर बदायूं से है, जहां पुलिस ने किया है खुलासा। हत्यारोपी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार, उसके इस्तेमाल में तमंचा कारतूस को भी बरामद किया है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर हत्यारोपी के पास से घटना में इस्तेमाल हुए गए तमंचा और कारतूस को भी बरामद कर लिया है। सहारनपुर जनपद में एक बार फिर से जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट के दौरान पक्ष के लगभग 6 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मामला सहारनपुर के थाना बेहट क्षेत्र के जमालपुर का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी हो गए और लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार शुरू कर दिया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उनके ऊपर तेजाब फेंकने का आरोप भी लगा रहा है। पूरी घटना का वीडियो पास में खड़े एक अन्य व्यक्ति को अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। एसपी देहात अतुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के जमालपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। ये थाना बेहट क्षेत्र में गांव पड़ता है जमालपुर, जहां पर ये सुबह सूचना मिली थी कि दो पक्षों में आपस में जमीनी विवाद को लेकर इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें कि करीब 5-6 लोगों को इसमें चोटें आई हैं। ये इनका आपसी पारिवारिक विवाद था। इसमें अभी इन लोगों को मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के लिए भेजा है। जो इसमें घायल हैं, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। ये हमारे पास जो है होमगार्ड बेहट से लेकर आए हैं और जमीनी विवाद का कोई मामला है, चोटिल हैं, अभी उनका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। चोटिल हैं, एडमिशन के लायक हैं, जो एडमिशन के लायक हैं हम उनको भर्ती करके उपचार दे रहे हैं। कितने अभी तो हमारे पास 7-8 लोग हैं तकरीबन, दोनों पार्टी के। अब खबर औरैया से है, जहां सतर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सत्ती तालाब में अज्ञात कारणों से आग लग गई। धुआं उठता देख आसपास के लोगों की तरफ से इसकी जानकारी कोतवाली और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, मगर थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें जोरों से उठने लगी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल की, तब भी वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई और उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि एक तालाब में अक्सर आग लग जाती है, इसका मुख्य कारण तालाब में खड़ी पतार को बताया जाता है। वहीं फायर ब्रिगेड कांस्टेबल गौरव ने बात की तो उन्होंने बताया कि दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। उसे तत्काल आग लग गया था, उसी के पीछे तत्काल 2 गाड़ियां बड़ी जो 5-5 हजार लीटर की 2 गाड़ियां भी हमारी 2 खड़ी हुई है। एक गाड़ी हमने लगा था स्टेशन पर, आग किन कारण से लगी ये तो नहीं पता है। अभी जब तक यहाँ रुके हैं जब तक ये पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाती तब तक यहाँ रुके हैं। जैसे कि अगर कोई और आगे अगर बढ़ती है तो उसके काबू पा रही है। अब इस समय क्या स्थिति है? स्थिति अब लगभग सामान्य है, देख रहे हैं सामने देख सकते हैं आग लगभग बुझ चुकी है, थोड़ा बहुत रह गया उसी का लिया था वही बुझ गई समय पर। आग लगने की सूचना आपको कब दे दी गई थी? आग लगने की एग्जैक्ट सूचना लगभग 20-25 मिनट पहले जैसी सूचना मिली तत्काल पास में पाए उसने तुरंत यहाँ गाड़ी आ गई। अलीगढ़ के थाना कवासी क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तमंचा दिखाकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित दुकानदार की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है।
दिन दहाड़े हुई लूट के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। वही पूरे मामले पर क्षेत्र अधिकारी श्वेता पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बियर की दुकान से तमंचा दिखाकर कुछ रुपए दुकानदार से ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि थाना कुआसी क्षेत्र में एक चौराहे पे स्थित बियर की दुकान में एक व्यक्ति आया और उसके द्वारा कुछ वहां पैसों की लूटपाट की गई है। जो अभी छानबीन की गई है उसमें यह तथ्य आया है कि जो बियर का सेल्समैन है उसके द्वारा ही उस व्यक्ति को अंदर बैठाया गया है, उसे बातचीत की गई है, उसके बाद उसके द्वारा सूचना दी गई कि इसमें उस व्यक्ति द्वारा पैसा छीन लिया गया है। अभी इसमें पुलिस टीम जांच कर रही है, शीघ्र ही इसमें हम चिन्हित करके खुलासा करेंगे। तो क्या उसने इस तरह का बताया, तमंचा दिखा के उसने लूट की है? हाँ, इसी तरह की सूचना है सर, और इसमें लगभग 45,000 की लूट बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।